press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi दोस्तों, स्टॉक खरीदने से पहले हम कितनी चीजों पे ध्यान देते हैं? देखिए, हम फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं, स्टॉक के पी रेशियोज को देखने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, आप बिना ये सब जाने समझे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम हर बार मिस कर देते हैं जब हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में, मैं मार्केट में नया हूं या मान लीजिए थोड़ा पुराना हूं, तो मुझे एक्चुअली किन चीज़ों पे सबसे पहले नज़र रखनी है ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे आगे जाके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे। देखिए, सबसे पहले तो यार आपको पहले ये पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ IFB इंडस्ट्रीज, आपको नहीं पता क्या करती है। अतुल इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, 99% लोगों को नहीं पता है ये इंडस्ट्रीज काम क्या करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इनके स्टॉक्स पड़े हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो ये है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है, उसका कारोबार क्या है, उसका बिजनेस क्या है, क्या चीज होने से उसको फायदा होता है, क्या चीज होने से उसको नुकसान होते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए भैया कि क्या वो कंपनी का मोट बिजनेस है या नहीं। देखिए, मैं हमेशा इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस करता हूँ कि क्या कंपनी का मोट बिजनेस है या नहीं। मोट बिजनेस का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से सेफ है। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में कि आप अगर आप ध्यान से देखें तो एक कंपनी दूसरे कंपनी का गला काटने में लगी है, उनके प्रॉफिट्स को कम करने में लगी है। तो आपके पास ऐसा बिजनेस होना चाहिए, इस प्रकार का बिजनेस होना चाहिए जो उसमें एज रखता हो। जैसे मैंने एक पहले भी बताया था, आप एशियन पेंट को देखिए। जब आप एशियन पेंट को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके कॉम्पिटिशन में कोई दूसरा और पेंट वाली कंपनी है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर आप बाकी देखें, नैरोलैक देखें या कोई और देखें, उसका टक्कर ही नहीं है उनके साथ। हर जगह आप किसी भी जगह जाइए तो आपको एशियन पेंट जो है आपको वो चलता हुआ दिखेगा। तो उसका जो प्रोडक्ट है और उस कंपनी का मोट बिजनेस हमेशा होना चाहिए। प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो सब जानते हों, कोई भी एक उसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए सब जानते हों, ऐसा अगर आप कंपनी मिलती है। अच्छा, जब आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं आप तब भी तो यही करते हो ना, या कोई भी सामान ले आते हो आप उसमें अच्छा ढूंढ के लेके आते हो, भाई ये अच्छा है तो ही आप लेके आते हैं। तो आप जब भी स्टॉक खरीदें पहले आप देखें कि क्या उसका मोट बिजनेस है या नहीं। अच्छा, मोट बिजनेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जैसे सरकारी मोट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सरकारी मोट का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो अब उसके बदले किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। ऐसी कोई कंपनी है तो उसके पास, जैसे आप मान लीजिए आज की तारीख में IRCTC, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेलवे का पूरा संबंध जो है, पूरा सब कुछ जो है वो IRCTC के पास है। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, आप और मैं एक नया रेलवे स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैंने अपना एक नया रेलवे स्टार्ट कर दिया और मैंने कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार का जिसको बोलते हैं ना सरकारी, एक आपको मोट मिल जाता है, गवर्नमेंट का आपको एक मोट मिल गया कि भैया ऐसे बिजनेस में कोई और तो कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरा होता है कि आपका खुद का उस कंपनी ने मोट बनाया हुआ है और उसको लेके चलती है। एक और चीज जो मैं हमेशा देखता हूं जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जाता हूं, वो ये होता है कि क्या कंपनियां अपने आप को समय के साथ बदल सकती हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या आप अपने आप को बदल पाते हो या नहीं। आपको याद होगा बहुत पहले
कोडैक फिल्म्स होते थे, हम लोग एक कैमरा आता था उसके अंदर फिल्म डालते थे और उससे फ़ोटो खींचते थे, मैंने बहुत खींचे थे अपनी जवानी के टाइम में। तो एक और था फुजी फिल्म्स, अगर आप जानते हो, ये दो बहुत जगह चलते थे, आज इनका कोई नामो निशान नहीं है, ये आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ बदल नहीं पाए। अच्छा, नोकिया फ़ोन्स आप देखिए, नोकिया फ़ोन अगर आप देखेंगे तो एक ज़माने में मार्केट लीडर था इंडिया के अंदर, आज कंपनी है लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब टू सिम कार्ड का ज़माना आया, जब मार्केट में टू सिम कार्ड शुरू हुए, तो नोकिया ने अपने आप को उस हिसाब से चेंज नहीं किया। नोकिया ने बोला कि नहीं, मैं टू सिम कार्ड वाले मोबाइल्स लॉन्च नहीं करूँगा, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा हो गया सैमसंग को। और सैमसंग बहुत जल्दी रातों रात जो है आप देखिए वो मार्केट लीडर बन गया इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें क्या आप बदल सकते हैं या नहीं? अच्छा, बदलने से मुझे एक चीज़ याद आई, देखिए व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी आई है जिसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न को लेके आप सब बहुत परेशान हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए एक जो हमारा एक जो क्लासेस होते हैं उसका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको हमने चेंज कर दिया है। सो अब से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिग्नल पे आपको मिलेगा, नंबर वही रहेगा 7030379160, ये आपको सिग्नल पे मिलेगा। आने वाले टाइम में सब कुछ हम सिग्नल पे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारी वजह से आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।